घीव दूध में रम रया, व्यापक सब ही ठौर, दादू बकता बहुत हैं, पे मत काढ़े ते और। अनुभव की बात, एक संत कहता है कि कैसे प्रकट है वो प्रेम तत्व सर्वत्र, समान रूप से किस प्रकार व्याप्त है, जैसे घी में दूध रहता है और दूध में घी रहता है। घीव दूध में रम रया और व्यापक सब ही ठौर, पर दादू बकता बहुत हैं, वक्ता नहीं बकता, जो बिना अनुभव के कहता है वो बकता है, क्योंकि उसकी बात केवल प्रलाप है, उसकी बात से किंचित मन का रंजन अवश्य हो जाएगा, उसकी बात से लोक संग्रह हो जाएगा, उसकी बात से लोक रंजन हो जाएगा, लेकिन उसकी बात से कभी लोक मंगल नहीं होगा, उसकी बात से कभी आत्म कल्याण नहीं होगा, उसकी बात से कभी उर अंतर पे चोट नहीं पड़ेगी, उसकी बात से कभी मोह निशा में सोया हुआ जीव जगेगा नहीं। तो दादू कहते हैं, दादू बकता बहुत हैं, बकने वाले बहुत हैं, पर मत काढ़े ते और। दूध में घी है ये बता देना एक बात है, पर जिसने दूध से घी तक की यात्रा कर ली है वो जानता है कि आपको किस किस पड़ाव से होकर जाना पड़ेगा, आपको कितना धीरज धरना पड़ेगा। दूध में घी तो है, लेकिन दूध से घी को प्रकट करने के लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया है, धीरज धरना पड़ता है। कल भी व्यासपीठ ने निवेदन किया था, आप परिश्रम भी करते हैं, आप पुरुषार्थ भी करते हैं, आप प्रतीक्षा नहीं कर पाते, जबकि भजन का परिणाम, यहां तो कबीर कहते हैं हंस हंस कंत न पाइया, और जिन पाया तिन रोए, हांसी खेले पियू मिले तो कौन दुहागन होए। यहां तो भाव में जो परिपक्वता, आप देखिए नंद बाबा और यशोदा मैया को बड़ी प्रौढ़ अवस्था में श्री कृष्ण रूपी ये परम धन प्राप्त हुआ है, बड़ी प्रौढ़ अवस्था में, कहते चौथी अवस्था में लाला प्रकट भये नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ। नंद बाबा श्रद्धा का स्वरूप है नंद बाबा विश्वास का स्वरूप है, यशोदा मैया श्रद्धा का। तो श्रद्धा और विश्वास जो प्रौढ़ हो जाते हैं, जो परिपक्व हो जाते हैं, तब उस पर प्रेम रूपी फल लगता है। तो जीवन में पुरुषार्थ हो, जीवन में परिश्रम हो और जीवन में प्रतीक्षा ना हो तो परिणाम नहीं आता, तो परिणाम नहीं आता। जब कबीर जाते हैं संसार से, तो कबीर के अंतिम दिनों के जो शब्द हैं वो इतने पीड़ा से भरे हुए हैं कि मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे का, साहेब अजमुना आया, सखी मंद हमारे भाई। और जीवन में जब तक विशुद्ध प्रेम ना हो, अच्छा मैंने जैसे आपसे कहा कि पुरुषार्थ भी हो जाता है, परिश्रम भी हो जाता है, प्रतीक्षा नहीं होती, क्योंकि भाव को धीरज धरने के लिए प्रेम के आधार की आवश्यकता है। प्रेम के बिना आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते, आप प्रेमी के अतिरिक्त कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जहां प्रेम होगा, प्रेम अपने साथ समस्त दैवी संपत्ति लेकर आता है, प्रेम अपने साथ समस्त सद्गुण लेकर आता है। प्रेमी हो सकता है देखने में लगे कि कुछ नहीं करता, उसके हाथ में माला नहीं होगी, उसके उसके हाथ में कोई कोई बड़े बड़े साधन आपको दिखाई ना पड़ेंगे,
कुछ नहीं होगा उसके पास। पर प्रेमी बहुत बड़ी तपस्या करता है, क्यों? जिसके जीवन में प्रतीक्षा सद गई है। कल मैंने विराम के क्षणों में यही कहा था, प्रेम का पहला लक्षण ध्रुवदास जी कहते चाह चटपटी, चाह, प्रियतम की चाह। और ये एक चाह ऐसी है जो जैसे ही जीवन में आएगी अग्नि की भांति। श्रीमद् भागवत कहती है कि अनिमित्ता भागवती भक्ति ही सिद्धेर गरीयसी जरयत्याशु याकोशम निगीर्ण मनलो यथा। जैसे जो आप भोजन करते हैं आपकी जठराग्नि उसको भस्म करके उसको रस में परिणत कर देती है, ऐसे जिसके जीवन में प्रेम की वो चिंगारी, द स्पार्क ऑफ दैट अनकंडीशनल लव, निष्काम प्रीति की वो एक चिंगारी जिसके उर अंतर में जलेगी, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे भस्मीभूत कर देगी वो जन्म जन्मांतर की उस कर्म राशि को। यहां यही तो रसिकों ने गाया है और मनाया है कि कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे। कल मैंने स्मरण हो आपको तो मैंने कहा था कि यहाँ के रसिक किसी ऐसी भाव भावना के स्तर पर जाकर पहुंचे हैं जहां स्वार्थ की क्या कहिए परमार्थ भी छूट गया, जहां प्रियतम के अतिरिक्त अब किसी और की चाह नहीं है, जहां किसी और की चाह नहीं। जब उद्धव संदेश लेकर आते हैं तो गोपी कहती है उद्धव कहा करें ले पतियां, ये संदेश लेकर क्या करें, तू जिनकी बात हमें बताने आया है, तू जिनका संदेश सुनाने के लिए आया है, संदेश तो वो भेजता है जो दूर हो, जो कहीं दूर हो वो संदेश भेजता है, ना तो उन्हें हमें संदेश भेजने की कोई आवश्यकता है और ना हमें अपने प्रेम की पीड़ा उन तक पहुंचाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता है। और तू लाया है पर उद्धव कहा करें ले पतियां, तेरे ये पत्र लेकर क्या करें, जब लग ना ही गोपाल ही देखें, जब तक देखे नहीं उन्हें, जब तक वो प्रत्यक्ष ना हो जाए। हमारा मन ऐसे मानता नहीं। श्री सेवक जी महाराज कहते प्रेमी अनन्य भजन ना होई जो अंतर्यामी भजे मन में। प्रेमी को अंतर्यामी का भजन करने से संतोष नहीं होता, क्योंकि प्रेम प्रत्यक्ष चाहता है, प्रमाण नहीं चाहता, प्रत्यक्ष चाहता है। दोनों बातों में भेद है। प्रेम प्रमाण नहीं चाहता। आपकी माता आपसे कहती है कि ये तुम्हारा पिता है, आप उससे प्रमाण नहीं मांगते, आपका प्रमाण मांगना असभ्यता है, निकृष्टता है, आप प्रमाण नहीं मांगते, लेकिन आप पिता को प्रत्यक्ष चाहते हैं कि पिता प्रत्यक्ष हो, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रेम प्रमाण नहीं चाहता, पर प्रेम प्रत्यक्ष चाहता है, ज्ञान प्रमाण चाहता है, ज्ञान प्रमाण चाहता है, प्रेम प्रत्यक्ष चाहता है। तो गोपी कहती है उद्धव क्या करें संदेश लेकर, तू हमें यह संदेश ही तो सुनाने आया है ना कि श्री कृष्ण तुम्हारा स्मरण करते हैं, तू हमें हमारे प्रेम का प्रमाण देने आया है, हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रत्यक्ष प्रियतम की आवश्यकता है, उससे कम हमारा मन नहीं मानता। इंद्री शिथिल भई कैसा जो देही बिन शीस रखो सुर हमारे नंदन और नहीं जगदीश रखो और नहीं जगदीश रखो। तो ये जो तू पत्र लाया है इसे तू लौटा जा, हमें पत्र की चाह नहीं है। श्री कृष्ण ने प्रमाण भेजा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, श्री कृष्ण ने तुझे भेजकर प्रमाण भेजा है कि हाँ देखो मथुरा के महलों में तुम समस्त सुख वैभव के मध्य भी तुम्हारा स्मरण करता हूं, पर हमें इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, इस प्रमाण पत्र से हमारा कार्य नहीं चलता। इसीलिए मैंने कल कहा था आपसे, बहुत सुन लोगे, बहुत पढ़ लोगे, बहुत जान लोगे, पर बाप किस्सा कहानी से बात बनती नहीं। यहाँ हरिराम व्यास जैसा दिग्विजयी पंडित आया, जिसके पास प्रमाण पत्रों की कमी नहीं थी, जिसके पास स्वर्ण पत्रों की कमी नहीं थी, जिसने जीत लिया था सारे संसार को अपनी विद्या के वैभव से, पर मन की बात कहाँ बनी, कहाँ मन की बात बनी, कहाँ मन को विश्राम मिला।
इसलिए कल मैंने आपसे निवेदन किया था, सुख की बात करते हो, सत्संग में आकर पहले देख तो लीजिए सुख होता क्या है, फिर पाने का प्रयास करिएगा। बिना जाने परिश्रम किए चले जा रहे हैं आप, आपको खबर नहीं सुख क्या है, ये भी खबर नहीं कि सुख कहना किसे चाहिए, और प्रयास किए जा रहे हैं, परिश्रम किए जा रहे हैं, इसीलिए तो अंत में थक जाते हैं, उपरत हो जाते हैं, क्लांत हो जाते हैं, हाथ कुछ आता नहीं, बात से बात नहीं बनती। अरे सारे संसार के ग्रंथ पंथ मत घोल कर पी लिए हरिराम व्यास जी ने, लेकिन मन की दौड़ बनी रही, मन अभी भी दौड़ रहा है कि कुछ और चाहिए मन को, लेकिन देखो बिना सदगुरु के चेत नहीं हुआ, सारे संसार को बताने वाला। इसीलिए संत कहते हैं नैन निकट काजर लसे पे दर्पण दिखलाए, आंख के सबसे निकट होती है काजल की रेखा, पर आंख देख नहीं पाती उसे। सारे संसार को पढ़ाने वाला, सारे संसार को बताने वाला, और केवल पढ़ाने बताने वाला नहीं, जीत लेने वाला अपनी विद्या के वैभव से, समझ नहीं पा रहा है कि मन को वस्तुतः आखिर और क्या चाहिए। धन विद्या बल बुद्धि ऐश्वर्य पराक्रम पांडित्य, कौन सा ऐसा गुण जो नहीं है हाथ में, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप अपने मन को मना लोगे, आप अपनी बुद्धि को समझा लोगे, लेकिन आपकी आत्मा कभी असत्य और अपूर्ण के साथ समझौता नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। उसे जो चाहिए वो जब तक उसे नहीं मिलेगा, वो तब तक विश्राम नहीं करेगी। कोटि जन्म लग रगर हमारी, कोटि जन्म लग रगर हमारी। सप्तऋषि आए जगदम्बा के पास, तप कर रही है महादेव को प्राप्त करने के लिए, और महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। सप्तऋषि कहते हैं महादेव ने भेजा कि जाओ परीक्षा तो करके आओ, देखो तो सही कि पात्रता है भी कुछ किया नहीं। और सप्तऋषि परीक्षा कैसे लेते हैं कि जिनको पाने के लिए तुम तप कर रही हो वो महादेव अवगुणों के भवन है, उनमें अवगुणों के अतिरिक्त दिखाई गया देता है, शमशान में रहते हैं, चिता की भस्म लपेटे रहते हैं, सर्प बिच्छुओं के आभूषण धारण करते हैं, क्या वो आपके योग्य हैं? और उधर दूसरी ओर विष्णु सकल गुण धाम, पर जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो, अपने मूल में जाकर ही मेरो मन अनत कहां सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, जहां से आए हैं आप जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक विश्राम कैसा। जीव जहां से आया है जब तक अपने अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा तब तक विश्राम कैसा। और भवानी उत्तर देती हैं, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ संभुनत रहम कुमार। कोटि जन्म लग रगर हमारी, एक जन्म नहीं, अनेक नहीं, मैं कोटि जन्म प्रयास करूंगी। और आप और मैं भी कोटि जन्मों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यास जी की तरह समझ नहीं पा रहे कि मन को वस्तुतः आवश्यकता किसकी है, क्या चाहिए पूर्ण हो जाने के लिए, क्या चाहिए उस परम तृप्ति का लाभ करने के लिए, किसकी आवश्यकता है आपको? किसी की नहीं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, बस कोई ऐसा मिल जाए। हमको मिला जीवन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। जो मन में उठते कामना के इस ज्वार को शांत कर दे। कोई नाटक चेटक नहीं दिखाया था महाप्रभु ने जब व्यास जी आए, कुछ भी तो नहीं किया, बात ही तो हो रही थी, व्यास जी और महाप्रभु चर्चा ही तो कर रहे थे। देखो एक और पूरे जीवन की यात्रा है उस बुद्ध पुरुष की। इसीलिए आपने पहले भी श्रवण किया होगा, व्यासपीठ ने कई बार निवेदन किया कि जीवन में नृत्य करते सुख और जीवन में आपको भयभीत करते दुख, इन सुख और दुख रूपी द्वंद के मूल में कर्म है, कर्म के पीछे विचार खड़ा है, विचार के मूल में फिर संस्कार है, और संस्कार के पहले भी है आपकी अविरल चेतना, पर वो अस्थिर है, और उस अस्थिरता के मूल में, उस अस्थिरता के कारण स्वरूप अगर कोई है तो बुद्ध पुरुष का अभाव है, सदगुरु नहीं है जीवन में।
जो जीवन में आए और अपनी बात से आपकी बात बना दे। बात ही तो हो रही थी, महाप्रभु ने कोई नाटक चेटक नहीं दिखाया, कोई सिर पर हाथ नहीं धरा, कोई शक्तिपात नहीं किया। ये शब्द बड़े 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 शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें धरा कुछ नहीं है। अब मैं आपको निवेदन करता चलूं कि ये बड़े बड़े शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, ये सिद्धों की भाषा सी, ये सुनने में तो प्रिय लगती है, लेकिन इसमें कुछ धरा नहीं है। किसी की एक कृपा भरी दृष्टि, किसी का एक कृपा पूत संकल्प, किसी एक जागे हुए का संकल्प आपको जगा सकता है, उसका मौन संकल्प। और वो जो जागा होगा वो आपको बताकर नहीं देगा, वो आपको जताकर नहीं देगा, वो आपको सुनाकर नहीं देगा, वो तो कब आपको दे देगा आपको भी खबर नहीं पड़ेगी। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, जब कृपा होती है तब जीव को खबर नहीं पड़ती कि मैं चुन लिया गया हूं, मैं स्वीकार कर लिया गया हूं, मुझे अंगीकार कर लिया है प्रभु ने। भगवान बताते नहीं, भगवान जताते नहीं, वो सुनाते नहीं, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तो बात ही तो हो रही थी, बात बात में वहां प्रभु ने बात बना दी व्यास जी की। अभी पद पूरा नहीं हुआ, अभी महाप्रभु इससे पहले कुछ और कहते और व्यास जी ज्ञानी पुरुष थे, समझ में आई बात, दौड़ गए। जो संसार लाद कर आए थे, जो जो बुद्धि पर बोझ लेकर आए थे, वो सब जमुना जी में प्रवाहित किया और फिर गाया, अब मैं वृंदावन धन पायो, सोवत हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, अब तो व्यास विहार विलोकत, शुक नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। तो बाप, रगड़ तो आपकी और मेरी भी कोटि जन्मों की है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, ओ बलि जाऊं रमैया तोरे, ओ बलि जाऊं रमैया तो कब ये नैन तोहे देखें, ये जन्म तुम्हारे। बस कोई ऐसा आए जीवन में जो आपको प्रतीक्षा करनी सिखा दे। प्रतीक्षा कब करते हैं आप, मैं ये कहकर आगे बढ़ता हूं, कब करते हैं प्रतीक्षा? When you find that it is worth waiting for, जब आपको लगता है कि हाँ इसके लिए प्रतीक्षा की जा सकती है, ये कोई इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है, ये कुछ ऐसी भाव संपत्ति है जिसके लिए एक क्या अनेक जीवन भी दिए जा सकते हैं। कोई आपको पहले मोल बता दे उस वस्तु का, कोई आपको पहले महत्ता बता दे उसकी। आप देखो, जब कथा सुनाई जाती है तो पहले श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, पहले उसकी महिमा बताई जाती कि वो क्या है। राह में पड़ी हुई कोई वस्तु नहीं है, हंस हंस कंत न पाइया, अरे जिन पाया तिन रोए, जो आपको रोने में सुख लेना सिखा दे। कबीरा हंसना छोड़ दे, कर रोने से प्रीत। कबीरा हंसना छोड़ दे और कर रोने से प्रीत, कर रोने से प्रीत, जो प्रतीक्षा करनी सिखा दे। और जब श्री महाप्रभु जी कहते हैं आशास्य दास्यम वृषभानुजाया, जब श्री महाप्रभु कहते हैं किंत्वा शाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि, ये जो पंक्ति है श्री महाप्रभु की, हे स्वामिनी आपके श्री चरणों की रज प्राप्त करने के लिए मैं कोटि जन्म आशा लगाने के लिए प्रस्तुत हूँ, बस आपकी कृपा मुझ पर यही हो। ये आँख मेरी लाडले राह आपकी हेरत रहे, ये मेरी रसना चात की रसघन तुम्हें टेरत रहे, कि मैं प्रतीक्षा करती रहूं आपकी कृपा की, आपके उस कृपावलोकन की मैं प्रतीक्षा करती रहूं। प्रतीक्षा का ही तो भजन है। कब चरण तुम्हारे में, कब
कौन भाग्य पद पंकज पावूं, कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल कर लेखूं। लेकिन भोली इतना कहती है, मैंने निवेदन किया आपकी आत्मा को जो चाहिए, जब तक वो नहीं आएगा जीवन में आपको विश्राम नहीं मिलने का। आप गवाइए, एक क्या अनेक जन्म गवाइए। पर संत कहते हैं कि नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इतनी ढरेंगी। हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी। हमने देख लिया बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े और अब हूं बिगड़ पड़ेगी। एक नहीं, आप अनेक जन्म गवाइए, खूब बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाइए, खूब बड़ा वैभव एकत्र कीजिए। पर सहज ही जिनके पग परत रजसम होत पसान, और नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। पर अपनी उपलब्धियों का आकलन जरूर करते जाना कि जो पाया है और उसको उसको पाने के लिए जो दिया है, क्या ये योग्य था? जो संसार की जड़ वस्तु पाने के लिए आपने आपने अपनी अपनी चेतना दे दी, आपने आपने ये अमूल्य अवसर खो दिया। कोई कहता है जबकि मैंने ये पाया, ये बनाया, अरे मूर्ख देख नहीं पा रहा, मोह निशा सब सोवन हारा, कि ये पाया ये बनाया नहीं, ये तो बना और बिगड़ा। ये पाने और बनाने के लिए आपने जीवन बिगाड़ दिया, आपने जीवन खो दिया। जीवन वो अवसर जो आपको सदा सदा की इस यात्रा के विश्राम पाने के लिए मिला था, वो अवसर आपने खो दिया। इसलिए संत कहते हैं करुण स्वर में प्रभु से यही विनती, तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधो खींच छने, म्यू लालन स्यों प्रीत बनी, तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधो खींच छनी, म्यू लालन स्यों प्रीत बनी। तो प्रतीक्षा तब कर पाएंगे आप जब आपको मोल पता हो उस वस्तु का, कि जिसके लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके लिए प्रतीक्षा करना भी उपलब्धि है। प्रभु के लिए प्रतीक्षा करना उपलब्धि है। और खूब खोजिए, कभी कभी चिंतन किया करिए एक संत के जीवन वृत्त का। और यदि यदि एक बात सबके जीवन वृत्त में कोई एक समान मिलती है तो वो यही है कि खोज कर किसी ने ढूंढा नहीं और प्रतीक्षा किसी की व्यर्थ गई नहीं, परिश्रम से किसी ने पाया नहीं और परीक्षा से किसी ने उसको गंवाया नहीं। जिसने प्रतीक्षा की है उसको उत्तर मिला है, जिसने प्रतीक्षा की है उसके जीवन में आगमन हुआ है। प्रभु के आगमन का स्वर सुनाई पड़ेगा। एक बार प्रतीक्षा के उस निष्पंद नीरव वातावरण में पहुंचकर देखिए कितना शोर है आपके मन में। ये पा लिया, ये खो लिया, ये पाना है, ये खोना है, ये पा ना लूं, ये खो ना जाए, कितना शोर है मन में। एक तरफ होकर कभी किसी संत के चरणों में बैठकर उस प्रतीक्षा की नीरवता में पहुंचकर देखिए, जहां कोई और स्वर नहीं आता, जहां मौन के पीछे, जहां मौन के उस सघन प्रगाढ़ अंधकार के पीछे प्रेम का कोई नाद बजता है, अनहद नाद, प्रेम का वो स्वर जिसको एक बार श्रवण करने के बाद यह लब्धवा पुमान अमृतो भवती। नारद जी कहते यह ज्ञात्वा मत्तो भवती। ये बड़ा सुंदर सूत्र नारद जी ने दिया है भक्ति सूत्र में, यह ज्ञात्वा मत्तो भवती। इसको जान लेने के बाद, जब आपने जान लिया कि वो कौन है जिसके पास आप जा रहे हैं, कौन है जिसके लिए साधन किया जा रहा है। इसलिए पहले दिन आप आए थे तो मैंने पूछा था क्यों आए हैं यहां, अपना उद्देश्य साध कर बैठिएगा यहां, तभी कुछ यहां से लेकर जा पाएंगे आप, तभी कुछ यहां से प्राप्त करके जाना होगा। और यदि श्री महाप्रभु के श्री चरणों पर दृष्टि जाती है तो आप हम सब रसिक यही तो कहते हैं, जिन्होंने दिया क्या, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने प्रणय को
सवारा सजाया, जिन्होंने प्रणय को सवारा सजाया। जय बोलते श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, रसिकन की रखवार की जय।
करुणा